हाय एवरीवन, वेलकम है आपका समद किचन में। आज समद किचन में हम लोग बना रहे हैं चिली बेबी कॉर्न, जिसके लिए मैंने लिए हैं 200 ग्राम ये बेबी कॉर्न्स। इनको हम कट करेंगे, तो मैं चलिए आपको दिखा देती हूँ इनको कैसे कट करना है। इसको हम ऐसे बीच से पहले कट कर देंगे, ऐसे कट करके, और फिर यहाँ से ऐसे कट कर देंगे। तो इस तरह से एक कॉर्न को चार पीसेस में कर लेंगे, चार टुकड़े कर लिए। एक और मैं करके दिखा रही हूँ आपको इस तरह से, या फिर आपको जितना पतला चौड़ा रखना हो अपने हिसाब से भी कट कर सकते हैं। ये ऐसे करके मैंने इनको ऐसे कट कर लिया। तो ये बेबी कॉर्न्स कट हो गए, अब हम इनको बॉईल करते हैं। में मैंने पानी को चढ़ा दिया है, वो गर्म हो गया है, खोल रहा है, और अब उसमें आधा चम्मच नमक डाल देती हूँ मैं। नमक को कम ही डालना है, क्योंकि कई बार में हम डालेंगे। अब इसमें ये कॉर्न्स गए, और इसको हम 2 मिनट तक उबालेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है, इस चीज़ का ध्यान रखें। कॉर्न्स ठंडे हो गए हैं, इसमें हम मिलाएंगे ये 2 चम्मच मैदा, और इसमें मैं डालूंगी 2 चम्मच कॉर्न स्टार्च, और ये है 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक। नमक को हमें ध्यान से डालना है, क्योंकि हमने ऑलरेडी पानी में डाला हुआ था, तो इसमें थोड़ा नमक डाला, और अभी हम ग्रेवी में भी डालेंगे थोड़ा नमक इसलिए। और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं, और इसको मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा पानी डालेंगे, और जिससे ये इसमें अच्छी तरह से सारे पाउडर अच्छी तरह से इसमें कोट हो जाए, और तलने में भी आसानी रहेगी। तो पानी को हमको थोड़ा ही डालना है मिक्स करने के बाद। एक चम्मच, या फिर आपको लगे कि अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा और डाल लें, पानी पर कम डालें। तो ये कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है, और इसको मीडियम आंच पे अलग अलग करके डालेंगे, एक साथ मत डालिएगा नहीं तो ये चिपक जाएंगे। और इस तरह से एक एक करके आप सारे डाल दें संभाल के। जब ये एक तरफ से थोड़ा तल जाए तो इनको पलट दें। अब ये थोड़ा होने पर ही हमको इसको निकाल लेना है, पूरा नहीं फ्राई करेंगे अभी। इतना होने के बाद इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो ये जितने हैं इतने फ्राई कर लिए, और जो बाकी बचे हैं वो भी मैं फ्राई कर लेती हूँ। और तो बचे हुए कॉर्न जो थे वो भी मैंने मीडियम आंच पे उसी तरह से तल लिया है, और उनको भी हल्का गुलाबी होने के बाद निकाल लिया है। अब ये सारे तले हुए कॉर्न्स जो भी हैं इनको हम एक बड़ी प्लेट में टिश्यू पेपर के ऊपर फैला के रख देंगे, ताकि अच्छी तरह से ठंडे हो जाएं। ये हमारे कॉर्न ठंडे हो चुके हैं, अब इसको हम हाई फ्लेम पे तलेंगे, ताकि जिससे ये बिल्कुल बहुत ही क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन होने तक इनको तलेंगे। इससे बहुत क्रिस्पी हो जाएंगे, बिल्कुल करारे हो जाएंगे, इसीलिए हमने इनको ठंडा किया था। ठंडा करने के बाद दोबारा से तलने पे ये बिल्कुल क्रिस्पी और करारे हो जाते हैं। एक बार में ही सारे डाल दिए मैंने, और अब इनको अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। आँच को आपको तेज़ रखना है, इस चीज़ का ध्यान रखें दोबारा में, नहीं तो बहुत ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब कर लेंगे। अब कॉर्न्स गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, तो मैं इनको निकाल लेती हूँ। चिली बेबी कॉर्न के सॉस के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए अब वो हम वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे है ये है अनियन, स्प्रिंग अनियन, जिसका ग्रीन पार्ट मैंने अलग काटा है और वाइट पार्ट को अलग किया हुआ है। तो ये 4 स्प्रिंग अनियन थे, और ग्रीन पार्ट तो 2 का ही है। और ये है कैप्सिकम आधा कटा हुआ स्क्वायर पीसेस में, और ये है लहसुन बारीक कटा हुआ, ये है हरी मिर्च, 3 हरी मिर्च हैं, बड़ी हरी मिर्च थी इसलिए ज़्यादा इसके पीसेस हुए हैं, आप चिली को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। ये है अजीनोमोटो चाइनीज सॉल्ट जो कि, और ये हमारा कॉर्नफ्लावर पाउडर 1 टेबलस्पून है, जिसको हम डालेंगे सॉस में अपने। और ये है नमक, ये है वाइट विनेगर, ये है थोड़े से वाइट तिल, सफ़ेद वाले तिल हैं जिनको हम सीजनिंग के लिए यूज़ करेंगे। और ये है शुगर पाउडर 1/2 चम्मच, और ये है हमारा चिली सॉस 2 टेबलस्पून है, और ये है सोया सॉस 1 टेबलस्पून। चलें अब हम सॉस बनाना शुरू करते हैं। 1 टेबलस्पून तेल डाल के कढ़ाई में गरम कर लेंगे, और तेल के गरम होते ही इसमें हम लहसुन डाल देंगे। लहसुन को थोड़ा सा इसके साथ भुन जाने देंगे, थोड़ा सॉटे हो जाने देंगे, तब लहसुन की जब फ्लेवर आने लगे, खुशबू आने लगे, तब हम डालेंगे इसमें अनियन, क्योंकि इसमें, और आंच को अपनी मीडियम रखें आप,
और यहाँ पे अब हमने ये वाइट अनियन डाल दिया, वाइट पार्ट अनियन का। इसको थोड़ा सफाई करेंगे। इन सब चीज़ों को हल्का ही सॉटे करना है, बहुत ज़्यादा हमें नहीं गलाना है इनको। इसके साथ साथ मैंने ये डाल दिए इसमें ग्रीन चिली, और ये डाले हमने थोड़े से ग्रीन वाला पार्ट अनियन का, और इसके साथ साथ डाले ये शिमला मिर्च। अब हम इसमें डालेंगे नमक, नमक क्योंकि ऑलरेडी हम दो जगह डाल चुके हैं इसलिए इसमें थोड़ा ही नमक पड़ेगा। आपके साथ थोड़ा सॉटे करेंगे। अब डालेंगे ये सोया सॉस, और ये डाला हमने चिली सॉस, रेड चिली सॉस है ये, तो अगर आपको तीखा कम चाहिए तो आप कम कर सकते हैं इसकी क्वांटिटी। और अब हम डालेंगे इसके साथ साथ इसमें विनेगर, वाइट विनेगर है ये, विनेगर डाल दिया। और अब हम डालेंगे हाफ टी स्पून शुगर, और इसके साथ साथ अब मैं इसमें डालूंगी एक टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, और उसको पानी में मिला के घोल बना लेंगे उसका, और अच्छी तरह से मिक्स कर लें, उसमें कोई भी लम्स ना रहें। और उसको मिलाने के बाद हम इसको डाल देंगे अब अपने इसी कढ़ाई में, और इसको मिला लेंगे अच्छी तरह से। और उसके साथ मुझे पानी की और ज़रूरत पड़ेगी इसमें, तो वो जो सॉस वाली कटोरी थी उसी में डाल के मैंने पानी मिला लिया है, तो दो छोटी कटोरियाँ इस तरह से इसमें पानी पड़ा है। और अब हम डाल देंगे अपने ये फ्राइड कॉर्न्स, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। यहाँ पे मैं इसको ड्राई रख रही हूँ तो पानी कम डाला है, अगर आपको इसको ग्रेवी चाहिए तो आप पानी और डाल सकते हैं, जैसी आपको कंसिस्टेंसी चाहिए उस हिसाब से आप पानी डाल लें। लो फ्लेम पे इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें एक दो मिनट तक, और अब हम चलते हैं इसको प्लेटिंग की तरफ। तो यहाँ पे मैंने साइड में प्लेट में थोड़े से लेटिस और दो बेबी कॉर्न रखे हैं, और मैंने प्लेट में डाल दिया। अब मैं इसमें डालूंगी सफ़ेद तिल गार्निशिंग के लिए, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है सीड्स का। ये पार्ट अगर आप अवॉइड करना चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं। और मैंने डाल दिए थोड़े से हरे पत्ते, और बहुत ही यमी करारा क्रिस्पी स्पाइसी चिली बेबी कॉर्न रेडी है। और अब आप इसको बनाएं, खाएं, और मैंने तो ट्राई कर लिया, बहुत ही टेस्टी बना है। और जाइए मत, जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, करिए समित किचन को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।